हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हम इस वीडियो को बहुत ही अच्छे विजुअल और एनिमेशन के जरिए समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और सेकेंड है फैक्टर डेट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। पिछले 2 से 3 डेकेड्स में मोस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर में ऐसे प्लेस की तलाश कर रही हैं जो प्रोडक्शन के लिए चीपर हो, और इन कंट्रीज में मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। फॉरेन ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा भी इन मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा ही चलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में फोर्ड मोटर का कार प्रोडक्शन न केवल इंडियन मार्केट के लिए कारों का प्रोडक्शन करता है, बल्कि कई दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को कारों का एक्सपोर्ट भी करता है, और दुनिया भर की कई फैक्ट्रीज के लिए कार कंपोनेंट भी बनाता है, जैसे कि बहुत सी MNC गुड्स और सर्विसेज जैसे सब एसेंशियल ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं। ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग देशों में प्रोडक्शन और मार्केट का ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस में MNC भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आपस में इंटरचेंज हो रही है। कुछ दशक पहले के कंपैरिजन में दुनिया के मैक्सिमम एरिया क्लोजली और एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। गुड्स की मूवमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के अलावा एक और तरीका है जिससे कंट्रीज को जोड़ा जा सकता है। यह कंट्रीज के बीच लोगों के ट्रेवल करने की वजह से होता है, और आप देखेंगे लोग आमतौर पर बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन के लिए ट्रेवल करते हैं। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में वेरियस रेस्ट्रिक्शंस के कारण कंट्रीज के बीच लोगों की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर डेट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो आइए जानते हैं ग्लोबलाइजेशन क्यों सफल है। टेक्नोलॉजी में तेजी से इम्प्रूवमेंट एक इम्पोर्टेंट कारण रहा है। एग्जाम्पल के लिए पिछले 50 साल में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में कई सुधार हुए हैं, जिससे कम पैसे में लॉन्ग डिस्टेंस तक गुड्स की बहुत तेजी से डिलीवरी पॉसिबल हो गई है। इससे भी ज़्यादा रिमार्केबल डेवलपमेंट तो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। आप देखेंगे रिसेंट समय में टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में रैपिडली चेंजिंग हो रहा है। एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि मोबाइल फ़ोन का यूज किया जा रहा है, और सेटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को रिमोट एरिया से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर लगभग हर एक्टिविटी वाले एरिया में एंट्री कर चुका है। इंटरनेट की इस अमेजिंग दुनिया में आप लगभग हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन और शेयर कर सकते हैं। इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ईमेल क्या होता है, आइए जानते हैं। इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ईमेल लो कॉस्ट पर इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। हमारा अगला टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो आइए जानते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है। आइए भारत में चाइनीज टॉयज के इम्पोर्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट खिलौनों के इम्पोर्ट पर टैक्स लगाती है, इससे क्या होगा? जो लोग भी इन खिलौनों का इंपोर्ट करना चाहेंगे उन्हें इस पर टैक्स देना होगा। इस टैक्स की वजह से कस्टमर को चाइनीज टॉयज कॉस्टली पड़ेगा। इस तरह अब चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट में उतने चीप नहीं रहेंगे और चाइना से इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। इससे इंडियन टॉयज मेकर्स को बहुत फायदा होगा। व्हाट इज ट्रेड बैरियर? ट्रेड बैरियर क्या होता है, आइए समझते हैं। ट्रेड बैरियर रेफर्स टू लिमिटेशन और रूल सेट बाई गवर्नमेंट डेट इफेक्ट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री। इम्पोर्ट्स पर टैक्स ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है। इसे बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड बैरियर का यूज करती है, और गवर्नमेंट यह तय कर सकती है कि किस टाइप का सामान और कितना क्वांटिटी में देश में आना चाहिए।
इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए इसे जरूरी माना गया। इंडस्ट्री 1950 और 1960 के डेकेड्स में ही आ रही थी, लेकिन उस लेवल पर इंपोर्ट्स से कंपटीशन ने इन इंडस्ट्री को सामने नहीं आने दिया होगा। इस तरह इंडिया ने इंपोर्ट्स तो अलाउ किया, लेकिन केवल जरूरी चीज़ों के लिए, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम ईटीसी। आप ध्यान दें कि सभी डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए अर्ली स्टेजेस के दौरान डिफरेंट तरीकों से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन दिया है। 1991 के आसपास इंडिया में पॉलिसी में कुछ इंपोर्टेंट चेंजेस किए गए। गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए दुनिया भर के प्रोड्यूसर्स के साथ कंपटीशन करने का टाइम आ गया है। यह महसूस किया गया कि कंपटीशन से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि उन्हें अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना होगा। गवर्नमेंट के इस फैसले को पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट प्राप्त था। इस तरह फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक दूर हो गए, और अब इसका मतलब था कि सामान आसानी से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता था, और फॉरेन कंपनी भी यहाँ फैक्ट्रीज और ऑफिसेज सेटअप कर सकती थी। लिबरलाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट द्वारा सेट बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस के हटाने को लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब ट्रेड के लिबरलाइजेशन के साथ ही बिजनेस को फ्रीडम है कि वे क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट पहले के कंपैरिजन में बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, और इसलिए उसे मोर लिबरल कहा जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।